युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से लेकर एक विशेष विमान शुक्रवार सुबह मुंबई पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे ने मुंबई पहुंची उड़ान में सवार लोगों का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। यूक्रेन से शुक्रवार को मुंबई पहुंचे एक छात्र ने कहा, यूक्रेन में अभी कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं और उन्हें मदद की आवश्यकता है। बता दें कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों पर रूस का भीषण हमला जारी है। यूक्रेन से विमान के लिए गुरुवार को यहां पहुंचे छात्र ने कहा, समस्या पूर्वी हिस्से में है और लोगों को वहां मदद की आवश्यकता है। एक अन्य छात्र ने कहा कि वह यूक्रेन की सीमा पार करने में सफल रहे, लेकिन कई छात्र अभी भी फंसे हुए हैं। छात्रा ने कहा, इसलिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि वो सभी सही सलामत वापस देश आ जाए। वहीं भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकाला जा रहा है। स्पेशल फ्लाइट के जरिए लोगों को देश में लाया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा के तहत 3,726 भारतीयों को शुक्रवार को विमान के जरिए देश लाया जाएगा। ऑपरेशन गंगा के तहत 80 फ्लाइट तैनात की गई है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार ने 2 दर्जन से अधिक मंत्रियों को दी है। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।